हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपसे इस पेंटास की कटिंग के बारे में बात करूंगी। आज मैं आपको यही बताऊंगी कि इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा प्लांट है और अभी इसकी पत्तियां थोड़ी पीली पड़ रही हैं क्योंकि कई दिनों से बारिश हो रही थी और मुझे लग रहा है कि शायद इसको पानी ज़्यादा हो गया है इस प्लांट में। तो मैं इसको अब कुछ दिनों तक अभी बारिश का पानी इसमें नहीं पड़ने दूंगी। तो सबसे पहले इसकी हमें एक ऐसी कटिंग लेनी है, ये देखिए यहाँ से ऐसे। तो एक इसकी कटिंग ले लेती हूँ मैं, फिर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसकी ऐसे दो कटिंग ली है, इसमें से मेरी ये तीन कटिंग बन जाएंगी। तो बहुत ही अच्छी इजली लग जाती है। ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही लगाए थे, मैंने इसके दो तीन प्लांट लगाए थे और दो प्लांट मेरे लगभग अभी तक थे, लेकिन उस समय समर सीजन में मैं इसमें पानी नहीं डाल पाई, उस वजह से एक प्लांट मेरा ख़राब हो गया था और दूसरा भी अभी ज़्यादा वाटरिंग की वजह से, ज़्यादा पानी की वजह से यानी लगता है कि ख़राब ना हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा छाया में रखूंगी अभी कुछ दिनों तक। इसकी देखिए पत्तियां सारी पीली हो रही हैं और ये इसके निशान ओवर वाटरिंग के ही हैं, ये देखिए आप। तो चलिए हम अपनी कटिंग शुरू करते हैं। और कटिंग काटने से पहले आप अपने टूल्स को डिसइंफेक्टेड कर लीजिए किसी भी चीज़ से, हाइड्रोजन परऑक्साइड से, या फिर आप थोड़ा सा गैस की फ्लेम में इसको दिखा दीजिए तो तब भी ये ठीक रहता है इसके लिए। तो ये देखिए, मैंने ये कटिंग काट ली है, तो इसको मैं यहाँ से कट करूँगी तो मुझे एक और कटिंग मिल जाएगी यहाँ पर। और ये देखिए, इसके फ्लावर और पत्तियों को मैं थोड़ा कम कर दूँगी ताकि इसको, इसकी रूटिंग स्टार्ट होने में इसको हेल्प मिले। तो देखिए, ये कटिंग मैंने ऐसे ले ली है और इसमें जो नोड एरिया है उसका होना बहुत ही ज़रूरी है कटिंग लगाने से। किसी भी कटिंग को अगर हम लगाते हैं तो ये नोड एरिया होना ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये ज़रूर रखिए इसमें। और इसके लिए एक कटिंग मेरी ये हो गई और दूसरी कटिंग मेरी ये हो गई। तो मैं ऐसे करके तीन चार कटिंग लगा दूँगी इसकी और ये बहुत अच्छी इजली चल जाएंगी क्योंकि कटिंग से बहुत ही, अभी तो रेनी सीजन है तो आराम से लग जाती है। और इसकी पत्तियां भी मैं थोड़ा कम कर देती हूँ। मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था, थोड़ा सा मुझे दिक्कत भी हो रही है कि एक हाथ से शूट करना और इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल भरा हो जाता है। कि जितनी भी फ्लावर बड्स है उसे भी हमें निकाल देना है ऐसे। ये देखिए, ये भी इसमें एक और लगा हुआ है। तो ये देखिए, इसके बाद मेरा ये एक छोटा सा मग है जिसमें मैंने होल्स बना लिए हैं, ये देखिए बहुत सारे। इसमें मैंने अपना पुराना कोचिया का प्लांट लगाया हुआ था पर मेरे पास अभी खाली जगह नहीं थी तो मैंने उसी को खाली किया हुआ है इसके लिए। इसमें सबसे पहले हम छोटे छोटे ऐसे थर्माकोल के टुकड़े डाल देंगे। आप चाहे तो नीचे कंकड़ भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप थर्माकोल के टुकड़े भी डाल दीजिए। ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इससे हवा भी पास होती रहेगी और एक्स्ट्रा पानी भी गमले में नहीं भर जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है।
देखिए ऐसे छोटे छोटे टुकड़े डाल देना है बस, और जिससे इसको होल्स बंद हो जाए ऐसे, नहीं तो मिट्टी जम जाएगी जाके तो फिर इसके जो होल्स हैं वो बंद हो जाएंगे और फिर पानी का निकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए ऐसे डाल देना है, अब प्लास्टिक के गमले में थर्माकोल डालें तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखिए मैंने इसके नीचे थर्माकोल डाल दिया है, और अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप उसको यूज कर लीजिए, नहीं तो नहीं लगाते तब भी बहुत अच्छी कटिंग जल जाती है। और ये देखिए मैंने ये जो सॉइल बनाई है इसको मैंने सैंड और कोकोपीट से बनाया हुआ है कटिंग के लिए, तो इसमें मैंने थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर मिला दिया है ताकि कटिंग में कोई फंगस लगने का डर न रहे। तो बस इसको मैं ऐसे भर दूंगी और उसके बाद अपनी कटिंग को इसी में लगा दूंगी। ज़्यादा नहीं दबाना है, बस थोड़ा हल्के हाथ से इसको दबा देना है ताकि रूटिंग स्टार्ट होने में दिक्कत ना हो कटिंग्स को। तो ये देखिए ये इसकी सोयल तैयार हो गई है और बस हमको कटिंग को उठाना है। इसकी पत्तियां मैंने नहीं कम की, थोड़ा और कम कर देती हूँ। तो ये मेरे पास दालचीनी का पाउडर है, अगर आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैं कुछ होल्स बना लूंगी ऐसे अपनी उंगली से ही मैं बना लेती हूँ, ये देखिए। और मैं उसी में इस कटिंग को लगा दूंगी। तो ये देखिए मैंने होल्स बना लिए हैं और इसको लगभग 2 से 3 इंच हमको अंदर तक डाल देना है और इसको अच्छे से दबा देना है ऐसे ही। दूसरी कटिंग को लेंगे, सॉरी मेरे हाथ से कैमरा मोबाइल गिर गया था। तो ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर लगाया और ये लगा दिया इसको। इसको अच्छे से दबा दीजिए ताकि ये हिले डुले नहीं। और ये दोनों तो मेरी छोटी छोटी सी कटिंग है, ये देखिए इनको भी मैं लगा देती हूँ, ये भी लग जाएंगे वैसे। देखिए कटिंग बहुत ही जल्दी लग जाती है क्योंकि मैं इनको पहले भी लगा चुकी हूँ। बस इनमें नॉड एरिया होना जरूरी है जहाँ पर हमको जमीन में मिट्टी के अंदर लगाना है, और उसके बाद बस थोड़ा सा दबा दीजिए, बहुत ज़्यादा जोर से भी नहीं दबाना है। बस ये कटिंग हमारी लगकर रेडी हो गई, ये देखिए। तो अभी अभी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, और ये पूरा पेरेनियल प्लांट है, पूरा सालों साल फ्लावरिंग करता रहता है, पूरे विंटर पूरे समर और पूरे रेनी सीजन में से बहुत सारे भर भर के फ्लावर आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें कई कलर आते हैं, एक वाइट कलर का होता है, येलो कलर का भी होता है, रेड कलर में आता है, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं इसके प्लांट और फ्लावर। तो आप भी चाहें तो अपने घर में कटिंग से लगा कर और प्लांट इनके बना सकते हैं। तो मेरा ये पिंक कलर का है, ये देखिए,
और बस इसको मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।